கலிகலி தெரில்லா ஜல்லி ஜியோர பாகுபலி. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. फाइनली गाइस बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होने के बाद फिर से तुम्हारा भाई वापसी आ चुका है. बहुत ढीठ है यार तुम्हारा भाई, वापसी शुरू हो गया व्लॉगिंग के ऊपर. तो डिमोटिवेटेड क्यों हुआ चैनल पे जाके देख लेना. फिलहाल आज का जो व्लॉग थोड़ा सा अलग है. आज के इस व्लॉग के अंदर तुम्हारा भाई पूरा 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 मिस्त्री बनने वाला है. बताता हूँ कैसे. तो मिस्त्री बनने का काम ये कि आप ये जो गड्ढे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है. जैसे देखो मेरा हाथ पूरा अंदर जा रहा है, तो ये यहाँ से लेके और ये वहाँ कोने तक के पूरा वो है, कहते हैं गड़ा है. तो इस गड्ढे को आज मैंने भरना है और यहाँ पे जैसी इस टाइप की ईंटें जो होती है ना, वो यहाँ रख के प्रॉपर सी एक दीवार सी नहीं होती, वो यहाँ पर लगानी है ताकि इसके अंदर से जो चूहे आ रहे थे ना, वो चूहे आना यहाँ से बंद हो जाए. एक ये है और एक ये वाली साइड देख रहे हो, ये वाली पूरी साइड भी ऐसी पूरी क्लियर करनी है. तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले मिनी दी तो सारे परिंदों को दाना पानी करते हैं, उसके बाद जाके सारा सामान लेकर आते हैं. जो जो यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो जल्दी से सबको दाना पानी करते हैं. A few moments later. लो जी गैस, एक काम तो आप लोग देख चुके हो और सेकंड काम ये है जो हमारा ये वाला पिजन है ना, इसकी जो बेस देख रहा हूँ ना, बेस इसकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, यानी किसी काम की भी नहीं है. तो दूसरा काम हमारा ये होगा कि इसकी जो पिंजरे की बेस है ना, ये हमने रेनोवेट करनी है. कैसे? अस्सलाम वालेकुम. लकड़ियाँ लाके इसकी बेस बनाएंगे क्योंकि यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा चूहे का आना जाना हो चुका है. देख सकते हो यहाँ पे गड्ढा देख रहे हो ना, यहाँ से ना मतलब ये जो छोटे मोटे सुराग है ना, यहाँ से चूहा अंदर की तरफ आ जाता है. तो फिलहाल अभी पहले एक काम निपटाते हैं, टाइम बचता है, तो दूसरा काम भी हम जल्द से जल्द निपटाएंगे. तो चलते हैं उसका सामान लेने के लिए. A few inches later. माल आ गया आ गया आ गया. ये तो कुछ और ही समझ रहा था. लो जी गाइस, ये मलवा छलवा सारा आ चुका है. देख सकते हो इसको सिर्फ इतने से को लाने लाने में ना हमारे भाई की ना बस क्या बोलूँ, हाथ में आ चुके. फिलहाल अभी सिर्फ ये इसको इन दीवारों में भरना है और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि इसको ठोकना पड़ेगा, तो जल्दी से वाला काम भी शुरू करते हैं. मैं तो बोल रहा हूँ आज तो मैं थक ही जाऊँगा. क्या बोला तूने? Six and a half hours later. So finally guys, यहाँ के फिलिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है. दिखा देता हूँ आप लोगों को. देख सकते हो यहाँ से पूरी जो गैप आया हुआ था ना दीवार का, देख रहे हो ये सब तुम्हारे भाई ने फिल कर दिया है. और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड भी आधी हुई है यहाँ तक के. इसके अलावा ना थोड़ी बहुत रहेगा ही, अभी वो भी फिल कर देंगे. तो फिलहाल ये सारी फिलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है. अब इसमें जो फाइनल काम है ना, वो ये है कि ये बजरी है ना, इसमें सीमेंट मिलानी है और सीमेंट मिला करके यहाँ पर पूरी जो लाइन देख रहे हो ना, इसमें यहाँ पर पूरी भर देनी है ताकि यहाँ से जो चूहों का रास्ता बना हो तो सारा रास्ता बंद हो जाए. तो फिलहाल जल्दी से इसमें सीमेंट डाल के मिलाते हैं और मगरिब भी हो चुकी है. तो सारा दिन हमारा इन्हीं काम में गुजर चुका है, कुछ भी नहीं करा समझो मैंने बताया इस फीलिंग के अलावा. तो जल्दी से ये सारा सा काम मुकाते हैं. Much, much, much later. So finally guys, सारा काम कंप्लीट हो चुका है. पीछे वाली साइड जो आपको यहाँ से दिखी होगी, ये वाली साइड भी कंप्लीट हो चुकी है और ये सब जगह पे सीमेंट वीमेंट भी लग चुके हैं. अब मैं जाके अपनी हालत सही करूँगा. देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हुई हुई है. सही ना, बालों के अंदर मट्टी भरी पड़ी हुई है और आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है मट्टी के काम की वजह से. फिलहाल अभी मैं जाता हूँ, शायद नहा धो के या मुँह धुआ धो के कपड़े वपड़े चेंज करता हूँ. उसके बाद देखो अगर कोई हम जैसे बार बार अगर जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ. तो फिलहाल ये अपडेट देनी थी, आपको सारा काम कंप्लीट हो चुका है.